What's up beautiful people, this is Abhishek and welcome to a new vlog. ये व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कि मैं कैसे आया मुंबई से गुवाहाटी एंड जो कोविड के रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल सबको जानना होता है क्योंकि आसाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है देन अदर स्टेट्स, इवन नॉर्थ ईस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है. सो उसी के बारे में बात करूँगा. गुवाहाटी आसाम या नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए. जैसे आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है एंड सब डिक्लेरेशन देना पड़ता है. एंड देन यू विल बी टेकन बाय बस टू अ नियर बाय कोविड टेस्टिंग सेंटर जहाँ पे आपका टेस्ट होगा. कोविड का स्वैब टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट होता है, दोनों करवाना है आपको. एंड देन जैसे मैंने किया था, मैंने पेड टेस्ट कराया था, तो पेड टेस्ट का दाम है अराउंड 2200. तो 2200 आपको देना है क्योंकि अगर पेड टेस्ट नहीं करते हैं तो आपको 3 दिन का क्वारंटीन होना पड़ता है. आपको होम क्वारंटीन रहेगा. आपका अगर पेड टेस्ट होता है तो आपको विद इन 24 आवर्स आपका रिपोर्ट आ जाता है. 24 आवर्स क्या है, आपको हाफ एन आवर बाद आपको बोल दिया जाता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. अगर पॉजिटिव हो तो वहीं पर क्वारंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहीं पर आपको क्वारंटीन किया जाएगा. एंड अगर आप नेगेटिव हो आपको जाने दिया जाएगा. तो वही मैंने किया क्योंकि भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो मुझे वो चांस नहीं देना था कि अगर बाई चांस पॉजिटिव हो गया तो मुझे पॉजिटिव होके घर पे नहीं आना था, कुछ और ही प्लान था. तो चलो थैंक गॉड कि वो हुआ नहीं एंड हम नेगेटिव निकले. तो अगर आपको मेरा नेगेटिव सर्टिफिकेट देखना है तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, तो आ जाएगा. अब कोई और स्टेट से है, नॉर्थ ईस्ट से, कोई भी स्टेट से है, अगर आप गुवाहाटी पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे दो फॉर्म जो मुझे मिला था, वहाँ पे दो फॉर्म्स फिल करना पड़ता है. एक तो है अपना सर्टिफिकेट कि आप ठीक है, आप डिक्लेयर कर रहे हो. एंड अलग सा एक फॉर्म मिलता है, वो मुझे पता नहीं है, बट वो फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ता है. आप जहाँ पर जा रहे हैं वहीं से आपका एयरपोर्ट से आपको मिल, आपके बसेस है वहीं से आपको लेके जाएगा. आपको नियरेस्ट आपके जो भी लोकेलिटी है वो लोकेलिटी के आपके नियरेस्ट कोविड सेंटर पर लेके जाएगा एंड टेस्टिंग होगा, उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा. कल तो शूट करते करते मैंने देखा कि मेरे पीछे जो व्यू है वो इतना प्यारा सा लग रहा है. तो जब से मैं आया हूँ मुंबई से, यहाँ पे कंटिन्यूअस बारिश चल रही है एंड यार क्या मस्त वेदर हो चुका है. तो मम्मी से जब भी मैं फ़ोन करता था, मम्मी बोलती थी कि इतनी गर्मी है गुवाहाटी में, इतनी गर्मी है. एंड अभी देखो यार, अभी क्या क्या मस्त मस्त वेदर है. अब सर ये व्यू देखो, क्या मस्त दिख रहा है, क्या मस्त दिख रहा है. बेसिकली कल से कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है, तो अभी जगह थोड़ी रुकी है, आई थिंक सो फिर से आने वाली है क्योंकि अभी थोड़ी तैयारी पड़ गई, जैसे धूप भी दिख रही है एंड बादल भी पूरे पूरे यहाँ वहाँ सब जगह पे है. तो वेदर बहुत ही अच्छा है.